जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का हम सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इन विच द मैट्रिक्स आर गिवन, द मैट्रिक्स इज गिवन। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये तो ए है, अब हम ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। ए डैश मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम निकालेंगे, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर देखिए क्या मिलेगा। ये साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा होगा। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिए, अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा और फिर ये है साइन अल्फा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ए डैश इंटू ए फाइंड करते हैं, वैल्यू नोट करते हैं। तो ए डैश की वैल्यू है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और इंटू ए है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलता है ए डैश ए। अब देखें फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जो कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, हेंस प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिसेस आर पॉसिबल। और मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो का कॉलम में करते हैं, पहले मैट्रिक्स के रो का दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में करते हैं। तो चलिए फर्स्ट रो का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए साइन अल्फा में साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और माइनस कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये प्लस माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे हम ये साइन अल्फा कॉस अल्फा और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और फिर हम सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सेकंड रो के मल्टीप्लिकेशन में देखें ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। फिर सेकंड कॉलम में करते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए हम सॉल्व करते हैं ए डैश ए इजिकल टू, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू वन हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा से कॉस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल जीरो हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये वन हो गया। तो ये आई है, यही हमको प्रूव करना था। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। तो अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकेंड पार्ट था ये सेकेंड पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, यानी ए डैश इजकल टू ए होता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। और इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने देखा था
कि ए डैश ए के इक्वल नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली जानते हैं क्या होता है, ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल होती है तो इसक्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में हम ए डैश की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ए डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 1-1, 5, देखिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में हम लिखे हैं, फिर सेकंड कॉलम को -1, 2 और 1 हो गया, फिर ये हो गया 5, 1, 3, तो ये ए डैश हो गया। आप देख रहे हैं ए की भी वैल्यू वही है और ए डैश की वैल्यू भी वही है, तो ये ए हो गया। हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम सेकंड वाले पे आते हैं, तो सेकंड में हम ए डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ए डैश में क्या होगा, यहाँ भी कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, 0, -1, 1 और ये हो जाएगा 1, 0, -1, -1, 0 और -1 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो गया 0। ठीक है, क्या हुआ है, फर्स्ट हम कॉलम को रो में कन्वर्ट किए हैं, 0, -1, 1, 1, 0, -1, -1, 1, 0। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये 0 हो गया, 1, -1, -1, 0, 1 हो गया, और फिर 1 और ये हो गया आपका -1 और 0। फिर देखिए क्या मिला ये आपको, फिर यहाँ ये जो है एक ही वैल्यू आ गई, अब ये माइनस ए हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल नहीं है, माइनस ए के इक्वल है। हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, फाइंड हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश फाइंड करना है व्हेन ए इक्वल टू दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ए तो दिया है, अब हम यहाँ ए डैश फाइंड कर लें। तो ए डैश आपको मालूम ही है, कॉलम कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 0, -a, -b, a 0, -c और bc 0 हो जाएगा। तो अब हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है, तो पहले हम ए प्लस ए डैश निकालें। देखिए ए प्लस ए डैश क्या होगा, दोनों का सम कर दीजिए। तो सम करने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करते हैं। अब ज़रा देखें आप, जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ये देखिए ए को माइनस ए के साथ ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, बी को माइनस बी के साथ ऐड करेंगे 0, माइनस ए को ए के साथ करेंगे 0, 0 के 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे 0, और सी को माइनस सी के साथ ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस बी को बी के साथ 0, माइनस सी को सी के साथ 0, और 0 प्लस 0 0 हो गया। ये तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकले। अब अगर हमें हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू फाइंड करना हो, तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू ये है और हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। तो 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो फिर ये 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट की वैल्यू निकल गई। अब सेकंड हमें ए माइनस ए डैश फाइंड करना है,
तो चलिए a माइनस ए डैश, सामने देखिए a है और ये a डैश है, तो माइनस भी करते हैं तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड से सेकंड माइनस करते हैं। चलिए देखिए क्या है, जीरो से ज़ीरो माइनस करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, और a में से देखिए a में से a माइनस माइनस a तो 2a हो जाएगा, b माइनस माइनस b 2b हो जाएगा, और ये देखिए माइनस a माइनस a माइनस 2a हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, c माइनस माइनस c 2c हो जाएगा, माइनस b माइनस b ये हो जाएगा माइनस 2b, और फिर माइनस c माइनस c माइनस 2c हो जाएगा, और फिर देखिए 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो ये तो a माइनस a डैश निकला। अब हम यहाँ से हाफ a माइनस a डैश फाइंड करते हैं, तो हाफ का मतलब 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, और देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 0 a b माइनस a 0 c, और ये हो गया आपका b माइनस c, और फिर ये हो गया 0। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ आपको मिला, ये फर्स्ट आंसर रहा और ये सेकंड का आंसर रहा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।